वहीं भारतीय नौसेना के वॉरशिप INS सुमेधा ने शुक्रवार को ईरानी फिशिंग वेसल अल कंबर से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि शुक्रवार शाम को उनकी टीम को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास जहाज के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। जहाज में सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरे सवार थे। ये जहाज यमन के सोक्राटा द्वीप से साउथ वेस्ट में करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा को पहले ईरानी जहाज को रोकने के लिए रवाना किया।